कृषि विभाग द्वारा दौसा में गुण नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के तहत खाद बीज की दुकानों पर छापे मारकर करीब 15 खाद बीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश होने पर खरीफ की फसल की बुवाई की जाएगी। ऐसे में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज मिल सके, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे जो भी कृषि अधिकारी निरीक्षक हैं, वो हर दुकानदार के जहां बीज या उर्वरक या कीटनाशी बिक्री किया जा रहा है, उस परिसर पे जाएंगे, उनका परिसर का समग्र निरीक्षण करके किया जाएगा। निरीक्षण में जो भी आदान वहां मिलता है, उनको लगे कि ये आदान का नमूना लिया जाना है, उनके वहाँ नमूने भी हम लेंगे। नमूने लेने के बाद उसके स्टॉक रजिस्टर है, उसके जो वैरायटियां क्या क्या है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से बिल वगैरह उनके पास है कि नहीं, वो सारा वो निरीक्षण करेंगे। हम समग्र निरीक्षण चल रहा है अभियान ही। आज हम जो जिले के हमारे जितने भी कृषि अधिकारी जो इंस्पेक्टर होते हैं, बाकायदा हमारे कृषि अधिकारी होता है, इंस्पेक्टर का पद होता है, हम लोग अभी दौसा का जो मुख्य जो बाजार है, आज यहाँ हमारी पूरी टीमें घूम रही हैं और सभी जो हमारे अनुज्ञा पत्रधारी जो खाद बीज विक्रेता है उनकी दुकानों का हम निरीक्षण भी कर रहे हैं और सैंपलिंग भी कर रहे हैं। सभी जो हमारे डीलर्स हैं उनको हम निर्देशित कर रहे हैं कि आप लोग सभी हमारे जो किसान भाई हैं उनको गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएंगे, साथ ही सभी जो हमारे किसान भाई हैं उनको बाकायदा फर्म का पक्का बिल भी देने के लिए हम यहाँ उनको निर्देशित कर रहे हैं।